पाजी मैं ना आजकल मेरी नई नई जॉब लगी है सीडी केबल में, तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के भेजे, थोड़ा खर्चा पानी चलता रहता है। अब प्रॉप अब मांगा कैमरा मैन, आप भेज फटाफट भेजिए। सीटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पे मुंबई से बहुत सारे फिल्मी सितारे जुड़े हैं। मैं आम आदमी को बुला लेता हूँ, थोड़ी डिबेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब क्या? डॉक्टर साहब तबीयत खराब है भाई। नहीं तबीयत किसी, आप तबीयत खराब है तो आपको बुलाएंगे। मनहूस डिबेट करनी, डिबेट आइए। हाँ जी आइए, आइए बम्पर आओ, आओ बम्पर बम्पर। एक मिनट भाई, टीवी पे आना है, थोड़ा मेकअप तो कर लें। एक मिनट, हाँ तुम तेरे मुंह पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ओह हेलो, हाय डॉक्टर मिश्र। मिश्र राव उधर बैठिए, आप इधर बाद में मिल लेना, आप मीटिंग बाद में, लाइव चल रहा है। आप मेरा दूर में, हाँ आप गोंडा जिले में। अच्छा हाँ गोंडा जिले से, तो एक एक और आदमी चाहिए। अरे टीवी के अंदर जा, मैं थप्पड़ मारूंगा। चंदू, हाँ जी चंदू, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। नमस्कार, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी सिनेमा बनाम आम आदमी। तो एक तरफ है हमारे साथ फिल्मी सितारे और दूसरी तरफ है बहुत सारे आम आदमी। भाई हेलो, मैं आम आदमी नहीं हूँ, आई एम फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। आम आदमी मैं नहीं हूँ, ये होंगे। आप कभी कॉमेडी के लिए जेल गए हैं? कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आप चुपचाप यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कॉमेडी के लिए जेल भी गए हैं। ये कौन सी जगह अपना? ये देहरादून। देहरा में दून दून तक फेमस हूँ जी मैं। तो आप तो चुप रहे, अच्छा है। डॉक्टर साहब चुप रहिए, उत्तेजना से देर भली। उत्तेजना नहीं होता है, होता है दुर्घटना से देर भली। उत्तेजना मेरी सिस्टर का नाम है, उसने कहा था शो में मेरा नाम लेना, आपको प्रॉब्लम है? तो हमारे साथ एक तरफ फिल्मी सितारे हैं, एक तरफ देहरादून से डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बदायूं से चंदन चाय वाले, और गोंडा तो पूरा जिला ही आके बैठा हुआ है। तो आप लोग अपना पॉइंट सामने रखें, आपको बॉलीवुड से क्या परेशानी है? मैं जानना चाहती हूं कि आपकी फिल्मों में हीरोइन हमेशा ऐसी पतली सुकड़ी थिन एंड क्रिस्पी क्यों होती है? कभी कभार आप मुझे भी मौका देके देखिए, ऐसी क्या कमी है मुझ में? एक फिल्म बनी थी जिला गाजियाबाद, अब जब जिला गोंदा हो जाएगा तो आपको कास्ट कर लेंगे उसमें। बहुत अच्छा जवाब दिया जुंडी वाले बाबा ने, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक आप काफी इस क्वेश्चन पर जो है, आप अभिषेक आप क्या मुझे सुन रहे हैं? तो आप अभिषेक हमको नहीं दिख रहे यार, हम क्या चर्चा करेंगे, तुम ही देखे जा रहे हो, आगे ब्लॉक कर रहे हो। ऐसे ये मारने के अलाउड है? नहीं नहीं, मुझे बड़ा मजा आता मारा मारी में। अलाउड है? देखिए आपकी फिल्मों में और भी कोस्टार आते रहते हैं, हमारे पास ले दे के यही है। आप इन पे हाथ ना ही उठाएं, हमारा पहले भी काम बंद हो चुका है, तो प्लीज। ओके आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइन का फायदा भी, मिस्टर अभिषेक मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, ऐसी हीरोइन का फायदा भी है? इनके साथ आपके पास वैनिटी वैन नहीं है, आप पीछे होके कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइंस को मौका मिलना चाहिए? मौका नहीं तो कम से कम धोखा ही दे दीजिए। कि जरूर इन्हें एक मौका देना चाहिए। देखिए हमारे फिल्मों में कई सारे लोकेशंस होते हैं जी, इन्होंने तो एयरलिफ्ट बना ली है जी, इनको तो वाकई एयरलिफ्ट करना ही होगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए जी। लेकिन जरूर मौका देना चाहिए, बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये साल में चार 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 फिल्में करते हैं, मुझे लगता है कि इन्हें मौका देना चाहिए। बिना मेकअप देखा? मैं बताता हूँ, ये देखिए। नहीं नहीं बिना मेकअप अब देखिए। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, अच्छा किया। देखिए करो, बुरा मत मान, बुरा मत बोलिए, अब इनको लेंगे आप? नहीं मैं उनको अब आप लेंगे इनको। तो जैसे अक्षय जी ने सीधा सीधा आपके मुंह पे पानी फेंका, उन्होंने जो बच्चन साहब हैं वो बड़े ही सभ्य तरीके से आपकी बेइज्जती करके गए हैं। मैं इस बात को कट करना चाहूंगा, पानी नहीं कॉफी है। क्या क्या कहा आपने? कॉफी है, कॉफी कॉफी है।
ये देखिए, ये पानी है, फिर पीजिए, पानी है, पानी है। तो जैसा कि आपने देखा कि मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार जो हैं, वो थोड़े आक्रामक हो गए। उन्होंने इनके मुंह पे पानी फेंका। उनके पास उस समय गोली नहीं थी, शायद वो चलाते। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा है कि इसके अंदर पानी था या कॉफी। भाई ये मैं साबित करने के लिए मैंने उनके मुंह पे पानी मारा है, क्योंकि मैं कॉफी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं कॉफी पीता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्होंने साबित करना है। डॉक्टर साहब आप बताइए, कॉफी पीना गलत है कि नहीं? 5 रुपए तक ठीक है। चलो, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने मुंह पे पानी फेंक के मारा, आई डोंट नो कैसे मारा, बनता भी है। कहने का मतलब यह कि हीरोइन ऐसी होनी चाहिए। कैसे मारा आपको पता नहीं? नहीं, एक मिनट, नहीं पता है, पता है। वो मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा पता है। मैंने नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, पता है, मुझे नहीं पता। देखिए, पता है मुझे, आपको पता है। खड़े करो, किसने किसने नहीं देखा? अरे देखा है सबने, सबने देखा है। ओ पाजी नहीं। अब असली कॉफी मार दूंगा मैं। तो पानी फेंक के मारा। लाओ इधर लाओ। नहीं नहीं, मैंने पास नहीं आना। मैं उसको मार रहा हूं। मैं तो कहता हूँ रंग डाल लो, थोड़ा थोड़ा होली हो जाएगी। किसने किसने नहीं देखा? देख लिया? नहीं देखा। देख लिया, देख लिया, नहीं देखा। उसको तो बता दो सर, बाकी एपिसोड में देख लेंगे। उधर देखो कौन है। एक लड़की भीगी भागी सी। तो आपको कैसा लग रहा है, 3 बार लानत की तरह आपके मुंह पे पानी डाल के गए हैं? काफी गीला गीला महसूस कर रही हूँ। देखिए कोई बात नहीं, हीरोइंस कभी कभी वेट एंड वाइल्ड भी होती हैं। अच्छा सर, वैसे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माइंड पहले आपके पास कहाँ से आया, ये बताएंगे दर्शकों को? माइंड में क्वेश्चन आया। जी जी। तो मैंने फिल्मों में देखा है कि जो बच्चा है, आज टीवी से बाहर जा रहा है, अनपढ़ आदमी, पीछे रखिए। जी जी, मैंने सर फिल्मों में देखा कि जो बच्चा है वो दौड़ता दौड़ता बड़ा हो जाता है। हमारे रियल लाइफ में मेरा बेटा रोज दौड़ता, वो बड़ा नहीं हो रहा। जी देखिए, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास है, आम इंसान के पास नहीं। देखिए, उनके बच्चे खा पी के दौड़ते हैं, आप खाली पेट दौड़ाते जाएंगे तो कैसे बड़े होंगे? इट इज अ सीरियस कंसर्न। मुझे लगता है इनके बच्चे को हाइट की शायद प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल चेकअप की जरूरत हो। आप लेके आए मेरे पास, मैं उनको हील वाले जूते बनवा दूंगा। आप अपने नर्स को सैलरी दे दें, वही काफी हो जाएगा। डोंट गेट पर्सनल, यहाँ पे सीरियस बातें हो रही हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब, सिर्फ आप और मैं ही सिर्फ सीरियस बातें हो रही हैं। इनको मजाक सूझे, इनको दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा। एक और क्वेश्चन सर मैंने पूछना है कि जो जैसे हीरो जो है वो हमेशा अच्छा ही होता है फिल्म में, एक चाय वाला क्यों नहीं हो सकता? तो आप मानते हैं कि आप अच्छे नहीं है? नहीं नहीं, मतलब हीरो क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए आप चाय वाले हैं, तो आपको ऐसी हीरोइन के साथ सीन करना। का चाय वाला हीरो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अक्षय कुमार जी, एक सवाल है। आप फिल्मों में जैसे डायलॉग बोलते हैं, डोंट एंग्री मी, आपकी आवाज ऐसी होती है, ठीक है, डोंट एंग्री मी, ऐसे कर। जब ये गाना गाते हैं तो मीका सिंह की आवाज कैसे बन जाती है? ये मेरे को समझ नहीं आया। इसीलिए मुझे नहीं लगता आप असल डॉक्टर हैं, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, क्योंकि उसको कहता है प्लेबैक सिंगर। ये क्या होता है? वो जो जिसकी अच्छी आवाज होती है उसको पीछे हम रखते हैं, वो गाना गाते हैं, हम उसकी एक्टिंग करते हैं, इसे हमें एक्टर कहते हैं। आपकी तरह नहीं है कि डॉक्टर आप सर्टिफिकेट लेते हो, काम कोई और करके चला जाता है आपका। ये तो डांटने वाली बात होगी, जवाब देने वाली नहीं, ये तो ऑब्जेक्शन वाली बात है। ऑब्जेक्शन वाली बात है ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये भी बता दीजिए, आप लोग जब गाना गाते हैं तो अचानक आपकी फिल्म में 20-25 डांसर आपके पीछे आके डांस करने लगते हैं, वो भी सेम स्टेप पे? बताइए कैसे? हाथ अंदर कर। मैं गाना गाती हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आता है। अच्छा, आपके पीछे सब छुप जाते हैं। आई थिंक मिस्टर अभिषेक बच्चन थोड़ा बोर हो रहे हैं, अगर आपको कहीं घूम फिर के आना, आप जा सकते हैं। ये
अच्छा एक मेरा सवाल है आप तीनों से जी, कई फिल्मों में एंटरटेनमेंट नहीं होता, मनोरंजन नहीं होता, फिर भी एंटरटेनमेंट टैक्स क्यों? जवाब दीजिए इस बात का, इस बात का जवाब दीजिए आप। इस बात का जवाब है तो दे दीजिए, इस बात का जवाब दो मैम को। इस बात का जवाब है, इस बात का जवाब है बे। डॉक्टर आ जाओ, आओ पकड़ के रखो उनको, एक मिनट डॉक्टर साहब, ये कह रहा हूं इस बात का जवाब है, मैं ये कह रहा हूं सुनो, इस बात का जवाब है, सुनो तो मेरी बात सुनो तो, मारो इसको, ये टीवी ना देखो, प्लीज मत मारिए, ये प्रॉप्स हटाइए यहां से, लड़ाई झगड़ा बढ़ चुका है। अरे डॉक्टर हूं, किसके पास जाऊंगा इलाज के लिए? अरे छोड़िए आप, छोड़िए। Please like, subscribe and click the bell icon to get New Kapil Sharma and other fun show video updates